फोटो को 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो, और हाँ अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। कमेंट करके बताना आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करें करते हैं वीडियो स्टार्ट और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स हम ओपन करते हैं आफ्टर इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने को एक पिक लेके आनी है, फोटो यहाँ पे लाके हमको फोटो डालनी है इस जगह पे। ठीक है ना, जैसे मेरे पास ये फ़ोटो है, मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब इस पिक को हमें यहाँ पे टाइमलाइन में डालनी है, इधर लाके। ठीक फ्रेंड्स, मैं इसको टाइमलाइन में डाल देता हूँ इस टाइप से। फिर हमें कंपोजिशन सेटिंग करनी है। ठीक है ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे, कंपोजिशन सेटिंग। यहाँ से अपने को यहाँ पे इसका रेजुलेशन मतलब इसकी साइज़ हमें सेलेक्ट करनी है, कौन सी साइज़ में हमें करना है। तो मैं इसकी साइज मेरे हिसाब से ये रख लेता हूँ HD TV 180 29 फ्रेम्स। ठीक है ना, और फ्रेंड्स ये हमें चेंज करना है, यहाँ पे ये कर देना है, इसको ऑन कर देना। और यहाँ से 3D रेंडर में ऑप्शन में जाके कंपोजिशन साइज में 4000 सेव करके ओके कर देना है। ठीक फ्रेंड्स, इस टाइप से। तो फ्रेंड्स ये फ़ोटो का रेजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है तो मेरे को इसको थोड़ा स्केल करना है। आप अपने हिसाब से देख लेना, आपकी पिक के हिसाब से। मैं इसको इतना स्केल कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से था। ठीक है ना, मैं विंडो में जाऊँगा। विंडो के अंदर मेरे पास है 3D फोटो मेकर। फ्रेंड्स इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड्स 3D फोटो मेकर ये पेड है, मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप अपने देख लेना इसमें, यहाँ पे दबा के कि अपने को क्या क्या करना है। यहाँ पे बता रखा है कि कैसे हमें वीडियो बनाना है, ये 2D फोटो को हमें 3D में कैसे करना है। फिर फ्रेंड्स हम पहले क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रिएट केस पे, पहले केस बनाएंगे हम। तो मैंने क्लिक किया क्रिएट केस पे। तो इस पर केस है ना, इसको हम पॉइंट सेट करेंगे फ़ोटो के ऊपर, अपने हिसाब से सेट करेंगे हमें कैसे रखना है उसको, उस हिसाब से। ठीक है ना, मैंने इसको यूँ किया, केस की फिट कम करता हूँ मैं थोड़ी, इस टाइप से। हाइट भी ज़्यादा, मैं हाइट थोड़ी और कम कर देता हूँ उसकी। फिर फ्रेंड्स अपने को क्या करना है, फ़ोटो पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे जो अपनी फ़ोटो है उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करके इसमें करना है क्रिएट प्रोजेक्शन, इस पर क्लिक कर देना इस टाइप से। ठीक फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्शन बन गया, अपनी फ़ोटो अब 3D में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पर अपना कैमरा दे रखा है, कैमरे को यूज लेने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस जगह पे। इसका शॉर्टकट है C। ठीक है फ्रेंड्स, राइट क्लिक को दबा के मैं डार्क करूँगा ना, तो यह इस टाइप से जूम होएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से। मैं इसका थोड़ा रेजुलेशन कम कर लेता हूँ, थोड़ा हैंग हो रहा है इसलिए। टाइप से हाफ। ठीक है, तो हमें अब इसको एनिमेट करना है। यहाँ पे जाएंगे हम प्रोजेक्शन कैम पे, ये कैमरा जो हमने क्रिएट किया हुआ है। ट्रांजेक्शन के अंदर जाके इन दोनों के हमें कीज ऑन कर देने हैं ये। ठीक है ना, यहाँ से ऑन करके हमें कितने सेकंड का करना है उस हिसाब से करना। पहले हम 2 सेकंड पे जाएंगे, अपने हिसाब से करना हमें। मैंने इसको इतना जूम किया, यहाँ पे 4 सेकंड पे गए। रेजुलेशन कम करिए, ये जूम किया। ठीक है फ्रेंड्स, और आप यहाँ से भी कर सकते हो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट, देखो इस टाइप से। अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर अपने एक प्रॉब्लम आती है। देखो मैं दिखाता हूँ ऊपर, एकदम ऐसे फ्लैट सी लग रही है, ऊपर से खींच रही है, एकदम फ्लैट फ्लैट सा लग रही है। यहाँ पे देखो ऐसे खींच रहा है ये फ़ोटो, ठीक है ना, इससे हमारी ये वाली फ़ोटो भी खींच रही है। दिखाता हूँ आपको, देखो ये ऐसे खींच जाती है, तो हमारी फ़ोटो देखो यहाँ से खींची खींची लग रही है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, दिखाता हूँ आपको। पहले हम इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से अपने को ये जो कंपोजिशन है इसको हम डबल टैप करके खोलेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस पर डबल टैप करके इसे खोल लेंगे इसको हम। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये पिक है ना, क्लोन स्टाम्प से इसको हम हटा देंगे। कंट्रोल से हम इसको डार्क करेंगे तो बड़ा हो जाएगा इरेजर। इसके ब्रश टाइप इधर दे रखे हैं, इसके अंदर बहुत सारे ब्रश, इसमें से सॉफ्ट ब्रश एक सिलेक्ट है। ठीक है ना, जैसे फोटोशॉप में होता है ना उसी टाइप से है। वीडियो पे यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया है, अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं इस टाइप से, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। देखो ये फोटो हट गई यहाँ से। जो हमने इसके अंदर एनिमेशन किया था उसको हम रीसेट कर देते, ये हो गया फ्रेंड्स। हम इसमें ये जो हमारी पिक है ना इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पे टॉप में, यहाँ पर ले जाके इसको रख देंगे इस टाइप से। फिर हमें एक काम करना, पेन टूल है ना ये, इससे हम इसको क्रॉप कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, मैंने इसको पेन टूल से रफली क्रॉप कर लिया है। अब इसके अंदर हम ना यहाँ पे एम प्रेस करके मास्क ओपन हो जाएगा, मास्क में थोड़ा सा फेदर दे देते हैं, जैसे ये ठीक लगे यहाँ से कटा हुआ। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये करके हमें इसके अंदर जाना है और ये जो लिखा है ना फोरग्राउंड, इस पर क्लिक करना है और इसके अंदर हमें इंसर्ट इन द सीन कर देना है इस टाइप से। सीन में आ गया, इसको जगह पे यहाँ से सेट करना है, इससे जैसे था ये पहले। ठीक है ना, इतना ठीक है। अभी यहाँ से हमने प्रोजेक्शन कैम को ऑन किया, C4 कैमरा ऑन किया, इसके अंदर इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। एनिमेशन इनका ऑन कर दिया मैंने, एनिमेशन ऑन करके जितना वो अपने हिसाब से हमें फ्रेम्स आगे जाके यूँ कर देना। राइट क्लिक को डार्क कर रहा हूँ मैं, राइट क्लिक करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको 4 सेकंड पे करते हैं इसको जूम। राइट क्लिक करके डार्क करेंगे और जूम हो गया इस टाइप से। लेफ़्ट क्लिक से हम इसको इधर लेकर जाएंगे, ज़्यादा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से हम इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इन वैल्यूज़ को कोई सी को भी इस टाइप से। ठीक है ना, मैं इसको 5 सेकंड का करूँगा पूरा कंप्लीट, 5 सेकंड पे। तो मैं इसको यहाँ पे करके यूँ थोड़ा वो घुमा देता हूँ। जूम कर देता हूँ इस टाइप से। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं इनको थोड़ा एडजस्ट मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, आप करो तो कर लेना, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। इसको F9 करना है, सॉरी, यहाँ से राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट और यहाँ से AGS कर देना, जिससे एकदम स्मूथ चलेगा। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं एक बार, फुल प्ले करेंगे, क्वालिटी फुल। डिफरेंसेस को मैं प्ले करता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, एकदम अच्छा लगा ना। एक मिनट, कंपोजिशन एरिया को मैं यहाँ से कम कर देता हूँ अपना। राइट क्लिक करके ट्रिम कम टू वर्क एरिया, जितने में काम किया उसको हम ट्रिम कर देते हैं। अब देखो इसको बिल्कुल 3D लग रहा है ना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो कोई करने में तो आप कमेंट करके बता सकते हो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू फ्रेंड्स।